तो योगी सरकार की वापसी को लेकर तमाम तरह की खबरें आपको दिखाई दे रही होंगी कि कितनी जल्दी योगी सरकार की वापसी के नाम से ही अपराधियों की क्लास लगनी शुरू हो गई है। किस तरह से योगी सरकार के वापस मुख्यमंत्री बनने को लेकर 15 दिन में 50 अपराधियों ने सरेंडर कर दिया, अपराध छोड़ने की कसम तक खा ली। योगी आदित्यनाथ की सरकार की वापसी से लोगों में खौफ आ गया है, और खौफ भी ऐसा कि अब खुद ही थाने पहुंचकर तख्ती लटका कर कह रहे हैं कि हम सरेंडर करने को तैयार हैं। लेकिन योगी जी, आपके मंत्रियों का क्या जिनके खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं? आपके ऊपर अब तो कोई आपराधिक मामला नहीं है, क्योंकि आपके पहले कार्यकाल में आप पर जितने भी आपराधिक मामले थे वो सब हटा दिए गए। लेकिन पिछली बार जब आपने शपथ ली थी तब आप पर भी कई मामले थे, इसलिए इस खबर से आपको कितना फर्क पड़ेगा हम नहीं जानते। लेकिन हम याद दिलाना चाहते हैं कि योगी सरकार के 20 मंत्रियों के विरुद्ध गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। मंत्री परिषद में शामिल 45 सदस्यों के शपथ पत्रों के विश्लेषण में ये तस्वीर सामने आई है। जिन 45 मंत्रियों के शपथ पत्रों का विश्लेषण किया गया है उनमें 39 मंत्री करोड़पति हैं। मंत्रियों की औसत संपत्ति 9 करोड़ है, यानी कि 87%। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और उत्तर प्रदेश इलेक्शन वॉच के अनुसार मंत्री जतिन प्रसाद व संजय निषाद के शपथ पत्र स्पष्ट ना होने तथा जेपीएस राठौर, नरेंद्र कश्यप, दिनेश प्रताप सिंह, दया शंकर मिश्र दयालु, जसवंत सैनी, दानिश आजाद अंसारी का विवरण उपलब्ध नहीं होने की वजह से उन्हें विश्लेषण में शामिल नहीं किया गया। इसके अलावा 45 मंत्रियों के बारे में जो जानकारी सामने आई है उसमें 22 मंत्री ऐसे हैं, यानी कि 49% ऐसे मंत्री हैं जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, लगभग 50%, जबकि इनमें 20 ऐसे हैं जिन्होंने अपने विरुद्ध गंभीर आपराधिक मामले घोषित किए हैं। एक बार फिर याद दिला दें, योगी जी, आपको इस खबर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये खबर जनता के लिए बेहद जरूरी है। मंत्री परिषद में शामिल जिन सदस्यों के विरुद्ध आपराधिक मामले घोषित हैं उनमें नंद गोपाल गुप्ता नंदी, दया शंकर सिंह, मयंकेश्वर शरण सिंह, केशव प्रसाद मौर्य, भूपेंद्र चौधरी, राकेश सचान, कपिल देव अग्रवाल, रविंद्र जायसवाल, योगेंद्र उपाध्याय, मनोहर लाल, डॉक्टर सुमेंद्र सिंह तोमर, गिरीश चंद्र यादव, संजय सिंह गंगवार, दिनेश खटीक, अनिल राजभर, ब्रजेश सिंह, सतीश चंद्र शर्मा, सुरेश राही, प्रतिभा शुक्ला, विजयलक्ष्मी गौतम, रमेश सिंह व धर्मपाल सिंह के नाम शामिल हैं। योगी जी, ये आपके मंत्रिमंडल के वो मंत्री हैं जिन पर आपराधिक मामले घोषित हैं। अगर यही तस्वीर किसी और पार्टी के साथ होती तो अब तक आपकी बीजेपी हंगामा मचा देती, लेकिन जलवा हो तो ऐसा कोई इस बारे में चर्चा ही नहीं करता। आइए अब आपको मंत्रियों की शिक्षा के बारे में बता देते हैं। 9 मंत्री ऐसे हैं जिन्होंने अपनी शैक्षिक योग्यता 8वीं से 12वीं के बीच घोषित की है। 36 मंत्रियों ने अपनी शैक्षिक योग्यता स्नातक और उससे अधिक घोषित की है, यानी कि लगभग 80% मंत्री ऐसे हैं। इसके अलावा 20 मंत्री ऐसे हैं जिनकी आयु 30 से 50 के बीच की है, यानी कि 44% मंत्रिमंडल ऐसा है जो 30 से 50 के बीच का है, जबकि 25 मंत्रियों की उम्र 51 से 70 वर्ष के बीच की है, यानी कि योगी आदित्यनाथ का 56% मंत्रिमंडल 51 से 70 साल के बीच का है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवा नेताओं पर ज़्यादा नज़र रखते हैं और कहते हैं कि वरिष्ठ नेताओं को मार्गदर्शक मंडल का काम करना चाहिए। ऐसे में योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल में मार्गदर्शक वाले नेता इस वक्त मंत्रिमंडल में शामिल हैं, वो भी 56%। योगी आदित्यनाथ का मंत्रिमंडल कैसे भी बना हो, किसी ने भी बनाया हो, कुल मिलाकर इसमें चलने वाली है सिर्फ दिल्ली की। दिल्ली जो चाहेगी अब उत्तर प्रदेश वही करेगा। ऐसे में योगी आदित्यनाथ आखिरकार कर भी कह सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर मंत्री उनकी मर्जी के बगैर बनाए गए हैं। और रही बात आपराधिक मामले वाले मंत्रियों की, अब उत्तर प्रदेश में आपराधिक मामले होना कोई नई बात तो नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि विपक्ष इस पर
सवाल क्यों नहीं करता है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।